मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम पेपर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड सिस्टेमैटिक्स ऑफ सीड प्लांट्स, और वह भी किनमें, एनजीओ स्पर्म में। जो हमारा फर्स्ट पेपर था बीएससी सेकंड ईयर का, उसका नाम भी यही था, परंतु वहाँ पर हमने डाइवर्सिटी किसके अंतर्गत देखी, किसके अंदर देखी थी, जिम्नोस्पर्म के अंदर देखी थी। यहाँ पर हम एंजियोस्पर्म पादपों के मध्य विविधता और उनमें वर्गीकी का अध्ययन करेंगे। इसको अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, डाइवर्सिटी एंड सिस्टमैटिक ऑफ सीड प्लांट्स एंजियोस्पर्म, मतलब बीजीय पादपों की विविधता और वर्गीकी। और बीजीय पादपों में भी हमें किसका अध्ययन करना है, एंजियोस्पर्म का अध्ययन करना है। तो एंजियोस्पर्म की वर्गीकी और विविधता का हमें अध्ययन करना है इस पेपर के अंतर्गत। अब इस पेपर में आपको पता है 5 यूनिट हैं, उन 5 यूनिट में से हमें लगभग 3 या 4 यूनिट तो कवर करनी है ही। सही, तो इस पेपर में हम पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट 4, उसके बाद पढ़ेंगे यूनिट 5, क्योंकि इन दोनों ही यूनिटों में आपके विभिन्न प्लांट फैमिलीज दी गई है, जैसे ब्रेसिकेसी है, मालवेसी है, रोजेसी है, उसी प्रकार अनेक फैमिलियां हैं, यूफोरबियेसी है। तो उन फैमिलियों में पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं, उनके वेजिटेटिव करेक्टर्स और साथ ही उनके जो रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स हैं, जैसे उनके उनमें जो पुष्प पाए जाते हैं जनन अंग के रूप में, क्योंकि एंजियोस्पर्म है तो पुष्प तो पाए जाएंगे, तो उन पुष्प का पुष्प चित्र, पुष्प सूत्र, उन पुष्पों के अंदर जो पुंकेसर है वह किस क्रम में व्यवस्थित है, जायांग किस प्रकार का है, संयुक्त है या पृथक है, तो उन सभी जो करेक्टर्स हैं उनको हम इन दोनों ही यूनिट के अंतर्गत विभिन्न प्लांट फैमिलीज में डिस्कस करेंगे, ताकि विभिन्न एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट फैमिलियां हैं उनमें डाइवर्सिटी का अध्ययन हमें हो जाए और साथ ही उनकी वर्गीकी का अध्ययन भी हम कर लेंगे। अब हम इसके अंतर्गत हम पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट 4, परंतु इन यूनिट 4 और यूनिट 5 और कुछ मात्रा में यूनिट 1, इन तीनों ही यूनिट को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी ज्ञात होनी चाहिए। जहां तक वह टर्मिनोलॉजी हमें याद नहीं होगी, वहां तक हम इन यूनिट्स का स्टडी नहीं कर सकते, मतलब कुछ ना कुछ मात्रा में हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स याद होने चाहिए। तो उन बेसिक्स को ही या उन टर्मिनोलॉजी को ही आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उस टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वह है पुष्पक्रम या इनफ्लोरेसेंस। अब पुष्पक्रम होता क्या है, सुना होगा आपने नाम पुष्पक्रम, पुष्प का क्रम, मतलब पुष्प किस प्रकार अरेंज है या किस प्रकार लगे हुए हैं किसी अक्ष पर, उसे ही क्या कहेंगे, पुष्पक्रम कहेंगे। तो पुष्पीय अक्ष पर या उस पुष्पीय अक्ष को बोल सकते हैं हम पुष्पावली क्रम, क्या बोल सकते हैं, पुष्पावली व्रत। मान लिया जाए कि क्या है, पुष्पावली व्रत है, तो इस पुष्पावली व्रत पर पुष्पों के लगने का जो क्रम होता है, किसके लगने का क्रम, पुष्पों के लगने के क्रम को ही क्या कहेंगे, पुष्प क्रम कहेंगे। किसी भी अक्ष पर और उस अक्ष का नाम क्या देंगे हम, पुष्पावली व्रत, क्योंकि बहुत सारे पुष्प इस व्रत के ऊपर लग रहे हैं, इसे ही क्या कहेंगे हम, पुष्पावली व्रत। और इस पुष्पावली व्रत पर पुष्पों के एक निश्चित क्रम में लगने को ही क्या कहते हैं हम, पुष्प क्रम कहते हैं। अब जो ये पुष्प लग रहे हैं एक निश्चित क्रम में लगते हैं, परंतु यह क्रम किसी भी प्रकार का हो सकता है, या तो ऊपर से नीचे भी लग सकते हैं, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, या ये जो पुष्पावली व्रत है यह जिगजैग भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है, या फिर पुष्पावली जो व्रत है पुष्पों में समाप्त हो जाएगा, उसके नीचे से पुष्प लगेंगे, फिर ये भी पुष्प में समाप्त हो जाएगा, फिर इसके नीचे से पुष्प
दूसरी शाखाएं निकलेंगी। तो इस प्रकार मतलब एक ऐसा भी हो सकता है। तो हमें अगर पुष्प क्रम की हमसे डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या लिखना है, पुष्पावली ग्रंथ पर पुष्पों के लगने के क्रम को ही पुष्प क्रम कहा जाता है। अब जो ये पुष्प क्रम होता है यह तीन प्रकार का हमें देखने को मिलता है। कौन कौन सा होता है इसके तीनों ही प्रकार के अंतर्गत, एक तो यह होता है सीमाक्षी या रेसिमोज या इंडिफिनाइट, असीमाक्षी या रेसिमोज। एक होता है सीमाक्षी या साइमोज। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसे, साइमोज या डिफिनाइट। और एक होता है विशिष्ट प्रकार के पुष्प क्रम, विशिष्ट प्रकार के पुष्प क्रम। तो पुष्प क्रम को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो असीमाक्षी मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, लगातार पुष्प लगते रहेंगे ऊपर की ओर। एक होता है सहसीमाक्षी मतलब जो पुष्पावली ग्रंथ है उस पर के ऊपर पुष्प लगा और उसकी वृद्धि रुक गई, इसे ही बोला जाता है सहसीमाक्षी। और कुछ प्लांट किंगडम में जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट फैमिलीज हैं उनकी उनमें कुछ विशिष्ट प्रकार के पुष्प क्रम भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हाइपेंथोडियम साइपियम है, कूट चक्रक है, उन्हें विशिष्ट प्रकार के पुष्प क्रमों की श्रेणी में रखा जाता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं असीमाक्षी पुष्प क्रम, कौन सा असीमाक्षी पुष्प क्रम। अब जो असीमाक्षी पुष्प क्रम होता है ये किस प्रकार का होता है, तो जो असीमाक्षी पुष्प क्रम होता है इसमें क्या होता है, जो पुष्पावली ग्रंथ है, कौन पुष्पावली ग्रंथ जिसके ऊपर क्या लगेंगे, पुष्प लगेंगे, उसकी वृद्धि हमेशा ही होती रहती है। मतलब वह पुष्प में समाप्त नहीं होती, जैसे कोई के पुष्पावली ग्रंथ है इसकी वृद्धि हमेशा ही ऊपर की ओर होती रहती है। और इस पर क्या लगते हैं, पुष्प लगते जाते हैं, या तो ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर, मतलब पुष्पावली ग्रंथ की वृद्धि कभी भी नहीं रुकेगी। इसे ही क्या कहा जाता है, असीमाक्षी या इंडिफिनाइट पुष्प क्रम कहा जाता है। और इस पुष्पावली ग्रंथ पर क्या लगे हुए होते हैं, पुष्प लगे हुए होते हैं जो कि व्रंथ युक्त भी हो सकते हैं और व्रंथहीन भी हो सकते हैं, व्रंथहीन या अव्रंथ। व्रंथ युक्त का मतलब क्या है, आपने पुष्प की संरचना देखी होगी, पुष्प में क्या होता है, एक पुष्प व्रंथ होता है, यहाँ पर ऊपर की ओर क्या होता है, थैलेमस जैसी संरचना होती है और इसी के ऊपर दल बाह्य दल, यहाँ पर थोड़े बहुत मात्रा में दल फिर बाह्य दल और फिर एक पुंकेसर कुमंग और यहाँ पर एक जयंग होता है। तो पुष्प जिस व्रंथ के द्वारा पुष्पावली व्रंथ से लगा हुआ होता है, इस व्रंथ को ही क्या कहा जाता है, पुष्प व्रंथ कहा जाता है। अब कुछ पुष्पों में ऐसा भी हो सकता है कि पुष्प व्रंथ पाया जाए और कुछ पुष्पों में पुष्प व्रंथ एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर जो असीमाक्षी प्रकार का पुष्प क्रम है इसमें जो पुष्प लगे हुए हैं ये व्रंथ युक्त भी हो सकते हैं या व्रंथहीन भी, मतलब अव्रंथ युक्त भी हो सकते हैं। अब जो यहाँ पर असीमाक्षी प्रकार का पुष्प क्रम है यह विभिन्न प्रकार का हमें देखने को मिलता है। असीमाक्षी प्रकार में भी विभिन्न प्रकार है, जैसे इसमें एक तो है असीमाक्षी, दूसरा है इसमें स्पेडिक्स है, केटकिन है, कोरियोम्ब है, अम्बेल प्रकार का है, कैपिटुलम प्रकार का है, कैपिटेट प्रकार का है। तो अलग बहुत सारे इसके प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं इसमें असीमाक्षी की या
रेसिन, इसे इंग्लिश में बोला जाता है रेसिन। तो जो असीमांश प्रकार का जो असीमांशी पुष्प क्रम होता है, इसमें जो पुष्पावली वृत्त होता है वह लगातार वृद्धि करता जाता है और इस पुष्पावली वृत्त में नीचे से ऊपर की ओर नए नए पुष्प बनते जाते हैं। और जो इनमें जो पुष्प होंगे वह कौन से होंगे, वृत्त युक्त होंगे। नीचे की ओर जो पहला पुष्प होगा वह सबसे पुराना होगा और ऊपर की ओर क्या होगा, इसमें नई कलिकाएं नई पुष्पीय कलिकाएं यहाँ पर बनती जाएगी और पुष्प वृत्त की वृद्धि हमेशा होती रहेगी। तो जो पुराने पुष्प होंगे वह तो वृत्त में नीचे की तरफ, पुष्पावली वृत्त में हमें नीचे की तरफ दिखाई देंगे और जो नई पुष्पीय कलिकाएं होंगी वह शीर्ष भाग पर बनती जाती है और पुष्प के रूप में कन्वर्ट होती जाती है। तो इस प्रकार का जो पुष्प क्रम या असीमांश प्रकार का जो पुष्प क्रम हमें देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलता है, एक तो सरसों के अंदर, अभी देखना आप सरसों में जैसे ही वह पीले पीले फूल आएंगे उसमें इसी प्रकार का पुष्प क्रम हमें देखने को मिलता है, जिसमें पुष्प ऊपर से नीचे की ओर लगते हुए रहते हैं और पुष्पावली वृत्त की वृद्धि हमेशा ही होती रहती है। एक तो सरसों में यह देखने को मिलता है, एक मूली में देखने को मिलता है। सरसों का बोटनिकल नाम क्या है, क्या नाम है सरसों का बोटनिकल नेम, ब्रेसिकेसी फैमिली का मेंबर है तो ब्रेसिका नाम है। मूली भी, मूली का अगर बोटनिकल नाम की बात करें तो मूली का बोटनिकल नाम क्या है, रेथेनस सटाइवा, क्या रेथेनस सटाइवा। तो ये था असीमांश। अब असीमांश प्रकार में भी एक दूसरा रूप और हमें देखने को मिलता है, उसे कहा जाता है असीमांशों का असीमांश या पेडिकल या संयुक्त असीमांश। पुष्प क्रम किस प्रकार का होगा, असीमांश प्रकार का है। जैसे ये जो पुष्पावली वृत्त दिख रहा है ये क्या हो जाता है, शाखित हो जाता है, मतलब ब्रांचेज निकल जाती है। जैसे ये पर पुष्पावली वृत्त है, ये शाखा निकल गई, ये दूसरी शाखा निकल गई, ये तीसरी शाखा निकल गई और ये चौथी शाखा निकल गई, और इन शाखाओं के ऊपर भी क्या लगे हुए होते हैं, पुष्प लगे हुए होते हैं। और किस क्रम में लगे हुए होते हैं, असीमांश के रूप में, असीमांश के रूप में, मतलब जैसे असीमांश में लगे हुए होते हैं वैसे ही इनमें लगे हुए होते हैं। तो इस प्रकार का जो पुष्प क्रम होता है उसे संयुक्त असीमांश, क्योंकि किस प्रकार का यह है, असीमांश प्रकार का है, परंतु इसमें जो पुष्पावली वृत्त है यह शाखित हो गया, बहुत सारी शाखाओं में बट गया और प्रत्येक शाखा के ऊपर असीमांश प्रकार का पुष्प क्रम उपस्थित है। मतलब इसमें भी यहाँ पर आधारित बात की और पुराने पुष्प होंगे और ऊपर की ओर नई कलिकाएं यहाँ पर बनती जाती है। इसे क्या बोलेंगे हम, असीमांश को क्या बोल देंगे अगर ये शाखित हो गया, तो इसे संयुक्त असीमांश या इसे पेडिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संयुक्त असीमांश या पेडिकल बोला जाता है। अब इसके बाद जो सेकंड प्रकार है असीमांश का, उसकी हम बात करते हैं। तो जो सेकंड प्रकार है उसका नाम है स्पाइक। क्या नाम है, स्पाइक, या इसे हिंदी में बोला जाता है कणिस। क्या बोला जाता है, कणिस। तो असीमांश में सेकंड है स्पाइक। अब जो ये स्पाइक प्रकार का जो पुष्प क्रम होता है इसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही केस बनेगा। किस प्रकार का, इसमें भी ये क्या होगा, पुष्पावली वृत्त होगा और इस पुष्पावली वृत्त पर क्या होंगे, यहां पर क्या होंगे, पुष्प लगे हुए होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो स्पाइक में और असीमांश में फिर क्या अंतर हुआ, पुष्पावली वृत्त की वृद्धि होती रहेगी यहां पर भी और नीचे की तरफ पुराने पुष्प ऊपर की तरफ नए पुष्प यहां पर भी आते रहेंगे, परंतु स्पाइक में जो पुष्प होते हैं वह कैसे होते हैं, अवृत्त युक्त होते हैं। मतलब पुष्पों में पुष्प वृत्त यहां पर एब्सेंट होगा और पुष्प को आपको पता ही होगा
या तो पत्ती के कक्ष से निकलेंगे या कोई ना कोई सहपत्र जैसी संरचना होगी वहां से निकलेंगे। यहाँ पर सहपत्र पाए जाते हैं जिनके कक्ष से क्या निकलते हैं, पुष्प निकलते हैं। और यहाँ पर जो स्पाइक प्रकार के पुष्प क्रम में जो पुष्प पाए जाते हैं वह अवरंत युक्त होते हैं, मतलब इनमें जो पुष्प व्रंथ है वह एब्सेंट होता है। और यह पाया जाता है एकाई रेंथस में, किसमें देखने को मिलता है, एकाई रेंथस में। और अगर हिंदी में बोले प्लांट को जिसे कहा जाता है आंधी जाड़ा, क्या बोला जाता है, आंधी जाड़ा या लट जीरा। तो आपने देखा होगा एकाई रेंथस प्लांट को आंधी जाड़ा, जिसे गोवर्धन जी की जो पूजा होती है उसमें उपयोग किया जाता है। तो उसमें जो पुष्प क्रम पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, स्पाइक या कणिस प्रकार का पाया जाता है। उसमें जो पुष्पावली व्रंथ तो क्या होता है, लंबा होता है, परंतु जो पुष्प लगे हुए रहते हैं ऊपर से नीचे की ओर उनमें पुष्प व्रंथ एब्सेंट होता है, मतलब पुष्प अव्रंत युक्त होते हैं। और आंधी जाड़ा या एकाई रेंथस में यह पाया जाता है, और आपने काफी अच्छे से इसे देख भी रखा है। इसे लट जीरा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो पुष्पावली व्रंथ है वह तो किसके समान दिखाई देता है हमें, एक लकड़ी या लट के समान दिखाई देता है, और इसके ऊपर जो पुष्प होते हैं वह एक जीरे के समान हमें दिखाई देता है। किसके समान दिखाई देते हैं, जीरे के समान। इसी कारण इसे लट जीरा बोला जाता है, क्योंकि लट के ऊपर क्या है, यहाँ पर जीरे के समान पुष्प है। तो इस प्लांट को क्या कहा जाता है, लट जीरा भी कहा जाता है, या आंधी जाड़ा कहा जाता है। अगर इसके बॉटनिकल नेम की बात करें तो एकाइरेंथस में देखने को मिलेगा, कौन से प्रकार का, स्पाइक प्रकार का। अब स्पाइक का एक छोटा रूप भी हमें देखने को मिलता है, इसी में ही क्या है, स्पाइक ऑफ स्पाइक लेट, या स्पाइक लेट भी हम इसे बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ये पुष्पावली व्रंथ है यह शाखित हो जाएगा, जैसे आसिमांस प्रकार के में हुआ था ना, पुष्पावली व्रंथ शाखित हो गया और प्रत्येक शाखा पर उसी के समान पुष्प क्रम हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, जो ये पुष्पावली व्रंथ है ये शाखित हो जाता है, क्या हो जाता है, ऐसा इधर से शाखा निकल जाएगी, इधर से निकल जाएगी, इधर से, ऐसे शाखित प्रकृति का हो जाता है, तथा जिगजैग हमें यह दिखाई देता है, और प्रत्येक शाखा पर इसी के समान हमें पुष्प दिखाई देंगे। और इस प्रकार का जो पुष्पक्रम जिसमें यह शाखित प्रकृति का दिखाई देता है उसे कहा जाता है स्पाइक ऑफ स्पाइक है, क्योंकि इसे क्या कहा हमने, स्पाइक कहा। स्पाइक के ऊपर क्या है, स्पाइक के समान ही छोटे छोटे पुष्प क्रम है, क्योंकि इसके बराबर तो नहीं होंगे, परंतु इसी के समान यहाँ पर क्या क्या लगे हुए होंगे, पुष्प लगे हुए होंगे। ऐसा ही यहाँ पर, ऐसा ही यहाँ पर, और ऐसा कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, कौन से प्लांट के अंदर तक, गेहूं में देखने को मिलता है, बाजरे में देखने को मिलता है, तो इस ग्रेमिनी फैमिली के अंतर्गत हमें यह देखने को मिलता है। कौन सी फैमिली, ग्रेमिनी फैमिली, क्या जो ग्रेमिनी कुल है, जो घास वाले जो पादप होते हैं, जैसे गेहूं है उनमें हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर स्पाइक के ऊपर यह इसका पुष्पावली व्रंथ शाखित हो जाएगा, और उस शाखित पुष्पावली व्रंथ पर ऐसे ही पुष्प क्रम या ऐसे ही प्रकार स्पाइक के समान ही पुष्प क्रम में दिखाई देगा, इसी कारण से स्पाइक ऑफ स्पाइक लेट भी कहा जाता है। और यह एग्जाम्पल याद रखना, ग्रेमिनी फैमिली में हमें देखने को मिलेगा, और स्पाइक किसमें, एकाई रेंथस में या आंधी जाड़ा में देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं हम इसके थर्ड प्रकार की। अब जो इसका जो थर्ड प्रकार है वह है कैटकिन। थर्ड प्रकार कौन सा है, कैटकिन, और इसे हिंदी में बोला जाता है नत खड़ीस, क्या बोला जाता है, नत
कणिस। तो जो कैटिन जो पुष्पक्रम होता है यह हमने जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत भी देखा था। जिम्नोस्पर्म का जो शंकु, जिम्नोस्पर्म में जो एक शंकु पटाता है एक मेंबर के अंतर्गत, तो उसमें किस प्रकार का शंकु था? कैटिन लाइक नीचे की ओर लटका हुआ था, मतलब निलंबी अवस्था में था। तो हमने वहां पर लिखा था कि कैटिन लाइक जो नर शंकु होता है वह लटका हुआ हमें दिखाई देता है। तो जो कैटिन पुष्पक्रम होता है वह किस प्रकार का हमें दिखाई देगा? तो जो कैटिन होगा उसमें भी जो पुष्पावली जो ग्रंथ होगा वह काफी लंबा होगा, परंतु नीचे की ओर क्या होगा वह निलंबी अवस्था में लटका हुआ दिखाई देगा, नीचे की ओर लटका हुआ होगा। और इस पुष्पावली ग्रंथ के ऊपर क्या लगे हुए होते हैं? यहाँ पर पुष्प लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं? पुष्प लगे हुए होते हैं। और यहाँ पर जो ये पुष्प मिलेंगे इनमें भी क्या नहीं होगा? पुष्प व्रंत नहीं होगा, मतलब अव्रंती पुष्प यहाँ पर लगे हुए रहते हैं। और जो पुष्पावली व्रंत है वह नीचे की ओर निलंबी अवस्था में लटका हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो ये था कैटकिन। कैटकिन पुष्प क्रम है वह किसमें देखने को मिलता है? एक तो सहतूत में, सहतूत का जो प्लांट होता है उसमें कैटकिन पुष्पक्रम में देखने को मिलेगा। उसी प्रकार जो दूसरा एग्जांपल है सेलिक्स, सेलिक्स के अंतर्गत या सेलिक्स के प्लांट के अंतर्गत भी हमें यह देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला पुष्पक्रम। अगला जो पुष्पक्रम है वह है स्पैंडिक्स। अब इस प्रकार के असमाप्ति जो पुष्पक्रम है इसमें जो पुष्पावली ग्रंथ होगा जिसके ऊपर पुष्प लगेंगे वह कैसा हो जाता है? मोटा व मांसल प्रकृति का हो जाता है। कैसा हो जाता है? मोटा व मांसल प्रकृति का हो जाता है। और उस मोटे व मांसल पुष्पावली ग्रंथ पर छोटे पुष्प लगे हुए रहते हैं, छोटे अव्रंती पुष्प जिन पर जिनमें भी क्या नहीं होगा? पुष्प व्रंत नहीं होगा, छोटे अव्रंती पुष्प लगे हुए रहते हैं। और जो ये मोटा व मांसल जो पुष्पावली व्रंत है जिस पर छोटे अव्रंती पुष्प लगे हुए हैं यह सहपत्रों के द्वारा एक या एक से अधिक जो सहपत्र होते हैं जो कि हरे कलर के या रंगीन कलर के हो सकते हैं उनके द्वारा ढका हुआ रहता है। और उन सहपत्रों को वहां पर कहा जाता है स्पैटिक। तो जो यह पुष्पक्रम होता है स्पैटिक्स वह स्पैटिक के द्वारा या जो सहपत्र चक्र होता है उसके सहपत्र इस पुष्पक्रम को ढके हुए रहते हैं। तो इस प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है वो किन में पाया जाता है? एक तो देखने को मिलेगा हमें मक्का में देखने को मिलेगा, एक केले में या जो बनाना प्लांट्स हैं उनमें भी इस प्रकार का पुष्पक्रम देखने को मिलता है, और एक अरबी के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो इसको समझना डायग्राम की सहायता से आप। तो जो इस प्रकार का जो ये पुष्पक्रम है कौन सा? स्पैटिक्स। इनमें जो पुष्पावली व्रंत है वह किस प्रकार का हो चुका है? मोटा व मांसल प्रकृति का हो चुका है। तो मान लिया जाए यहाँ पर क्या है, यह इसके अंदर का पुष्पावली ग्रंथ है। क्या है? पुष्पावली व्रंत। अब जो ये पुष्पावली व्रंत है ये कैसा होगा? मोटा तथा मांसल प्रकृति का हो गया। इस पर क्या लगे हुए हैं यहाँ पर? छोटे अव्रंत युक्त एक लिंगी पुष्प लगे हुए हैं, क्योंकि तो यहाँ पर या तो मादा पुष्प हो सकते हैं या नर पुष्प हो सकते हैं, और कुछ मात्रा में बनते पुष्प भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अव्रंत एक लिंगी पुष्प इसके ऊपर लगे हुए रहते हैं। और जो ये पुष्पक्रम है यह सहपत्रों के द्वारा
एक या दो से ज्यादा जो सहपत्र होते हैं उनका मतलब सहपत्रों का जो चक्र पाया जाता है उनके द्वारा ढका हुआ रहता है। उन सहपत्रों को क्या कहा जाता है? स्पेति कहा जाता है। मतलब ये पुष्पक्रम स्पेति के द्वारा ढका हुआ रहता है। अब जो आपने मक्का का भुट्टा देखा होगा जब उसमें दाने वाने नहीं बनते हैं तो वह किस प्रकार में दिखाई देता है? तो उसमें एक छोटी सी गिल्ली होती है जो कि काफी मांसल प्रकृति की होती है। वह गिल्ली ही क्या है यहाँ पर? पुष्पावली व्रंत है। क्या है वह गिल्ली? पुष्पावली व्रंत है। मतलब जो मक्का का भुट्टा है उसके अंदर ऐसी छोटी सी काफी मांसल प्रकृति की गिल्ली हमें दिखाई देती है जो कि यहाँ पर किसकी बात कार्य करेगी? पुष्पावली व्रंत की बात कार्य करेगी। अब इस गिल्ली के ऊपर यहाँ पर क्या लगे हुए रहते हैं? मादा पुष्प लगे हुए रहते हैं जो कि अव्रंति और एकलिंगी होते हैं क्योंकि मादा पुष्प है। और इनसे क्या निकली हुई रहती है? लंबी लंबी वृत्तिकाएं निकली हुई होती है। आपने देखा होगा मक्का का जो भुट्टा होता है उसमें जैसे समान संरचनाएं दिखाई देती है बाहर की ओर दिखाई देती नहीं देती सफेद रंग की बाहर की ओर एक रेशे के समान संरचनाएं दिखाई देती है। वह रेशे के जो समान संरचनाएं हैं वह क्या है? इस भुट्टे के ऊपर क्या इस भुट्टे की जो झुली है उसके ऊपर जो फीमेल फ्लोवर्स पाए जा रहे हैं उनकी क्या है? यह वृत्तिकाएं है। क्या है? वृत्तिकाएं है जो की बहुत लंबी लंबी होती है के भुट्टे के अंदर से बाहर की ओर निकली हुई रहती है जो कि इन वृत्तिकाओं के जो वृत्तिकाग्र होते हैं वो पराग कणों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। क्योंकि आपने जब मक्का के प्लांट को देखा होगा तो मक्का के प्लांट में जो मेल फ्लोवर्स होते हैं या जो नर पुष्प होते हैं वो प्लांट के ऊपर या जो प्लांट होता है उसके शीर्ष भाग पर बनते हैं ऐसे, जबकि जो फीमेल फ्लोवर्स होते हैं वो उसके भुट्टे की गिल्ली के अंदर बनते हैं। तो मेल फ्लोवर से क्या आएंगे? परागकण आएंगे। भुट्टे की जो वैसे समान संरचना है मतलब वृत्तिकाग्र के ऊपर बैठेंगे और इसके माध्यम से वो वहां पर चले जाएंगे भुट्टे के अंदर चले जाएंगे और वहां पर एक सेल को ये फर्टिलाइज करेंगे जिसके कारण जायगोट का निर्माण होगा। जायगोट से भ्रूण बनेगा। उसी दौरान इनके जो मादा पुष्प है उनके अंडाशय में जो बीजांड है वह बीज के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मक्का का प्रत्येक दाना है तो किसकी भांति व्यवहार कर रहा है? यहाँ पर एक फल की भांति व्यवहार कर रहा है कि मक्का का दाना एक फल है। मक्का का जो प्रत्येक दाना है वो क्या है? एक फल है। मतलब मक्का के भुट्टे में बहुत सारे दाने हैं तो बहुत सारे फल की हम उसे संज्ञा दे सकते हैं। और ये लंबे लंबे धागे समान संरचना क्या है? यह वृत्तिकाए है। तो जो मांसल प्रकृति का या जो स्पेडिक्स पुष्प क्रम पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है? मक्का में पाया जाता है। इसी प्रकार का केले में भी हमें देखने को मिलेगा और अरबी में भी हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं हम अगले पुष्प क्रम की और अगला जो पुष्प क्रम है वह है कोरियम। क्या है? कोरियम। और इसे हिंदी में बोला जाता है साम सिख। क्या बोला जाता है? साम सिख। अब जो ये कोरियम प्रकार का पुष्प क्रम है यह हमें किसमें देखने को मिलेगा? तो यह हमें देखने को मिलेगा चांदनी में आइबेरिस हमारा उसमें हमें देखने को मिलेगा। इस प्रकार के पुष्प क्रम में क्या होता है? जो पुष्पावली व्रंत होता है उसका आकार छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? पुष्पावली व्रंत का आकार छोटा रह जाता है। इनकी बराबर इतना बड़ा नहीं होता जिसे हमने सरसों के अंतर्गत देखा था आसिमाक्स प्रकार का उसी प्रकार स्पाइक प्रकार का देखा कैटलिन लाइन देखा तो उतना बड़ा इसमें पुष्पावली व्रंत देखने को नहीं मिलता है। पुष्पावली व्रंत का आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इसलिए कोई पुष्पावली व्रंत है इसका आकार छोटा हो गया। अब इस पुष्पावली व्रंत पर क्या लगे हुए होते हैं? पुष्प लगे हुए होते हैं। नीचे से ऊपर तक क्या लगा दो? पुष्प लगा दो। ये पुष्प लगा दिए हमने और जो ये पुष्प लगे हुए हैं यह हमें एक सीधी रेखा में दिखाई दी वहां से वहां तक जो सारे ही पुष्पों की जो ऊंचाई होगी वह लगभग एक समान हमें दिखाई देगी। इसमें एक खास बात क्या है? जो नीचे वाले जो पुष्प है उनके जो पुष्प व्रंत होंगे वह तो क्या होंगे? बड़े साइज के होंगे तभी तो वे इसके लेवल के आएंगे। और जो ऊपरी जो पुष्प है उनके
व्रंथ क्या होंगे, छोटे साइज के होंगे। तो जो सारे ही पुष्प हैं वह हमें बराबर की रेंज में या बराबर लंबाई के दिखाई देते हैं, क्योंकि नीचे वाले पुष्पों के पुष्प व्रंथ बड़े होते हैं और ऊपर वाले के छोटे होते हैं, और पुष्पावली व्रंथ की जो लंबाई है वह कम हो जाती है, मतलब ये पुष्पावली व्रंथ छोटा होता है और इसके ऊपर भी, इसके ऊपर क्या लगे हुए होते हैं, पुष्प लगे हुए होते हैं। अब यहाँ पर एक दूसरा केस और बनता है, वो कौन सा, तो यहाँ पर जो ये पुष्पावली व्रंथ है ये क्या हो जाता है, साकेत हो जाता है, क्या हो जाएगा, साकेत हो जाएगा। जैसे ये पुष्पावली व्रंथ है ये इसमें क्या लग जाएगी, शाखाएं लग जाएगी, इधर भी शाखा निकल जाएगी, इधर भी शाखा, इधर भी शाखा, इधर भी ऐसी शाखा निकल जाएगी, और इन शाखाओं पर इसी के समान यहाँ पर क्या लगे हुए रहते हैं, पुष्प लगे हुए रहते हैं, इसी के समान यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, और सारे ही जो पुष्प होंगे वह एक सीधी रेखा में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार का जो पुष्प क्रम जिसमें ओरियोटाइप में पुष्पावली व्रंथ साकित हो जाता है उसे कहा जाता है कंपाउंड ओरियम या संयुक्त समसी, क्या कहा जाता है, संयुक्त समसी, मतलब इसी प्रकार का देखने को मिलेगा, परंतु इसमें जो ये पुष्पावली व्रंथ है ये साकित हो जाएगा और प्रत्येक शाखा पर किसी के समान हमें दिखाई देगा, जिसे संयुक्त समसी या कंपाउंड ओरियम या कोरियोम ऑफ कोरियोम, क्या कहा जाता है, कोरियोम ऑफ कोरियोम, मतलब कोरियोम के ऊपर क्या है, ये भी कोरियोम है, ये कोरियोम है, कोरियोम पूरा ही क्या है, कोरियोम है, तो कोरियोम के ऊपर कोरियोम या संयुक्त समसिक इसे कहा जाता है। इसके बाद हम अगले पुष्प क्रम की बात करते हैं, जो अगला पुष्प क्रम है वह है हमारा छत्रक या अंबे, क्या नाम है इसका, छत्रक या अंबे, और जो छत्रक या अंबे प्रकार का जो पुष्प क्रम है ये किसमें पाया जाता है, अंबेली पेरी फैमिली के सदस्यों में देखने को में मिलेगा, किसमें मिलेगा, अंबेली पेरी, जब इसका नाम क्या पड़ा है, अंबेल पड़ा है, कोरियम की हमने बात की, कर ली, किसमें मिलेगा, चांदनी में या आईबेलिस हमारा में देखने को मिलेगा, और जो कंपाउंड कोरियम है वह भी चांदनी की जो फैमिलिया होती है या फिर आइवेरिस हमारा फैमिली है उनमें ही हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद देखते हैं हम छत्रक या अंबे, अब इसमें भी क्या होता है, जो पुष्पावली व्रंथ होता है वह छोटे साइज का होता है, जैसे ये पुष्पावली व्रंथ है ये छोटा है, और इस पुष्पावली व्रंथ के यहाँ से क्या लगे हुए रहते हैं, क्या लगेंगे, यहाँ पर पुष्प लगेंगे, और पुष्प कहाँ से निकलते हैं आपको पता है, सहपत्रों से या पत्ती के कक्ष से निकलते हैं, या किस पत्ती के कक्ष से निकलेंगे उसे सहपत्र कहेंगे, यहाँ पर ऐसे पुष्प निकलते हैं, और सभी पुष्पों के जो पुष्प व्रंथ होते हैं वह एक समान साइज के या समान लंबाई के होते हैं, इस प्रकार एक छत्रिका के समान हमें संरचना यहाँ पर दिखाई देती है, और इस प्रकार का जो पुष्प क्रम पाया जाता है वह मैंने बताया अंबेली पेरी कुल के जो सदस्य हैं उनमें हमें देखने को मिलता है, और इन पुष्प समूह के नीचे जो ये सहपत्र आपको दिखाई दे रहे हैं इसे कहा जाता है इन्वोल्यूशन, क्या कहा जाता है, इन्वोल्यूशन या इन्वोल्यूकर, क्योंकि यहाँ पर जो सहपत्रों का जो चक्र है इसे क्या नाम दिया जाता है, इन्वोल्यूकर या सहपत्र चक्र कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे पुष्प निकल रहे हैं और एक पुष्प एक पत्ती के कक्ष से निकलता है, और जिस पत्ती के कक्ष से निकलता है उसे सहपत्र कहा जाता है, तो बहुत सारे सहपत्र है मतलब सहपत्रों का एक चक्र है, तो जितने भी जो पुष्प के यहाँ पर गुच्छे निकल रहे हैं ये इन्वोल्यूकर या सहपत्र चक्र से निकल रहे हैं। प्रकार का जब यह पुष्प क्रम किस प्रकार का, अंबेल प्रकार का, अंबेल प्रकार के पुष्प क्रम में जो ये पुष्पावली व्रंथ है अगर मान लिया जाए ये साकित हो जाए किस प्रकार, जैसे ये पुष्पावली व्रंथ है ये इसे इधर से भी शाखा निकल गए, इधर से भी शाखा निकल गई, इधर से भी, मतलब ये साकित प्रकृति का हो जाए और प्रत्येक शाखा पर इसी के अनुसार यहाँ पर क्या लग जाए,
पुष्प लग जाए या पुष्पों के गुच्छे लग जाए, क्या लग जाए यहां पर भी पुष्पों के गुच्छे यहां पर भी हमें देखने को मिले। तो इस प्रकार के पुष्प क्रम को क्या कहेंगे हम, इस प्रकार के पुष्प क्रम को कहेंगे हम कंपाउंड अंबे या संयुक्त छत्र, क्या कहेंगे संयुक्त छत्र। यह तो क्या है छत्र या अंबेल है, जब इसका पुष्पावली वर्ण साकित होकर इस संरचना के रूप में आ जाए और प्रत्येक शाखा पर इसी के समान पुष्पों के समूह उपस्थित हो और वह इन्वोल्यूकल से निकले हुए हो, इस प्रकार के जो पुष्प क्रम बनता है उसे क्या कहते हैं संयुक्त छत्र या कंपाउंड अंबेल बोला जाता है या अंबेल ऑफ अंबेल्स भी बोला जाता है। अब ये किसमें पाया जाता है, तो मैंने बताया अंबेली के ही कुल में पाया जाता है, किसमें अंबेली के ही कुल में हमें यह देखने को मिलता है। अंबेली के ही कुल में कौन कौन से मेंबर आते हैं, जैसे आपने देखा होगा तो सोप है, वो तो किसमें आती है अंबेली के ही कुल में आती है, सोप है, धनिया है, धनिया में भी इस प्रकार का पुष्प क्रम हमें देखने को मिलता है, देखना आप धनिया में जाके बहुत सारे ऐसे छत्ते के समान संरचनाएं बनी रहती है जब उसमें पुष्प या उसमें जो फुलारा आता है उस दौरान, इस प्रकार का पुष्प क्रम वहां पर हमें देखने को मिलता है। और जीरा, जीरे में भी हमें इस प्रकार का देखने को मिलता है, इस प्रकार का कंपाउंड अंबेल या संयुक्त छत्र या अंबेल प्रकार का देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं हम अगले पुष्प क्रम की, और अगला जो पुष्प क्रम है वह है कैपिटुलम, क्या है कैपिटुलम या इसे बोला जाता है मुंडक, क्या बोला जाता है मुंडक। अब जो कैपिटुलम प्रकार का जो पुष्प क्रम है यह सूरजमुखी कुल की विशेषता है, इसमें देखने को मिलेगा सूरजमुखी कुल में हमें देखने को मिलेगा। अब सूरजमुखी कुल में सूरजमुखी का पुष्प तो आपने देखा होगा किस प्रकार का दिखाई देता है, ऐसा चपटा डिस्क के समान, के समान ऐसा दिखाई देता है जिस पर क्या लगे हुए रहते हैं बहुत सारे पुष्प लगे हुए रहते हैं, इसी प्रकार गेंदा का पुष्प आपने देखा होगा। तो उसमें क्या होता है जो पुष्पावली व्रंत होता है जिसके ऊपर पुष्प लगने हैं वह कैसा हो जाएगा, एक ऐसी चपटी डिस्क के समान संरचना के रूप में आ जाएगा, जिसके रूप में चपटी डिस्क के समान संरचना के रूप में आ जाएगा। अब वो डिस्क उत्तल भी हो सकती है या अवतल भी हो सकती है, किसी भी रूप की हो सकती है, और इस चपटी डिस्क की संरचना के ऊपर यहाँ पर बहुत सारे पुष्प लगे हुए रहते हैं। जैसे गेंदा का जो पुष्प होता है वह एक पुष्प नहीं होता, उसमें हजारों पुष्प लगे हुए रहते हैं, मतलब वो पुष्प क्रम में पूरा है, जो माला में फिरोते आप जो पुष्प वह एक पुष्प नहीं है, उस एक पुष्प के अंदर ही क्या होते हैं या उसे बोला जाता है पुष्प क्रम, और उसके अंदर ही क्या होते हैं बहुत सारे पुष्प लगे हुए रहते हैं, और वह एक जो सापत्र होता है उसी के अंदर केंद्र रहते हैं या सापत्र में टके हुए रहते हैं, उसके जो निचले जो पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर देखना जो सूरजमुखी जो कुल है उसमें किस प्रकार का पुष्प क्रम हमें देखने को मिलेगा, कैपिटुलम या मुंडक प्रकार का देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या होता है जो पुष्पावली व्रंत होता है वह एक चपटे डिस्क के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और वह डिस्क किस प्रकार की हो सकती है, या तो उत्तल हो सकती है या अवतल हो सकती है। अब इसके ऊपर बहुत सारे पुष्प एक लिंगी पुष्प लगे हुए रहते हैं, अगर इस डिस्क पर या इस पुष्प क्रम में कैपिटुलम में या इस मुंडक में अगर सारे ही पुष्प एक समान प्रकार के हैं, मतलब एक ही तरह के हैं या नर है या मादा है, अगर एक ही तरह के पुष्प लगे हुए हैं तो इस मुंडक को कहा जाता है होमोगेमस है, क्या कहा जाता है होमोगेमस है या समपुष्पी
सिक्स, मतलब सारे ही पुष्प एक समान है इसके ऊपर, इस हेड के ऊपर या इस मुंडक के ऊपर। अब इसमें सूरजमुखी की अगर हम बात करें तो सूरजमुखी का जो हेड होता है या कैपिटुलम होता है या पुष्प क्रम होता है, उसमें हमें दो या तीन तरह के पुष्प हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके ऊपर क्या लगे हुए होते हैं, पुष्प लगे हुए होते हैं और इन पुष्पों को वो कहा जाता है पुष्पक। क्या कहा जाता है इन पुष्पों को, पुष्पक या फ्लोरेट कहा जाता है। अब जो ये पुष्पक तो होते हैं केंद्र में, तो क्या होते हैं सूरजमुखी में नर पुष्प उपस्थित होते हैं और परिधि की तरफ बड़े बड़े खिले हुए पुष्प उपस्थित होते हैं जो कि मादा पुष्प होते हैं। इस प्रकार का जो पुष्प हो पुष्प क्रम होता है उसमें थोड़ा बहुत नर पुष्प कुछ बड़े आकार के या जो परिधि भाग के बड़े साइज के पूरे खिले हुए जो पुष्प है वह हमें दिखाई देते हैं। तो जिसमें दो प्रकार के पुष्प हमें दिखाई देंगे उस हेड को क्या कहेंगे हम, हेटेरो गेमस हेड या विषम पुष्पी शीर्ष। इसमें नर पुष्प भी और मादा पुष्प भी, या केंद्र की ओर कम खिले हुए पुष्प और परिधि की तरफ पूरे खुले हुए पुष्प अगर हमें दिखाई देते हैं तो उस प्रकार के हेड को कहा जाता है हेटेरोगेमस हेड या विषम पुष्पी शीर्ष। क्या बोलेंगे, विषम पुष्पी शीर्ष। तो कैपिटुलम में क्या होगा, तो पुष्पावली वृत्त होगा, वह डिस्क लाइक संरचना के रूप में या ऐसी खाली समान संरचना के रूप में, मतलब एक चपटा पुष्पासन यहाँ पर बन जाएगा, पुष्पावली वृत्त रूपांतरित होकर एक चपटी संरचना का निर्माण कर लेगा। अगर इसके ऊपर सारे ही पुष्प एक समान प्रकार के हैं तो इसे होमोगेमस हेड कहेंगे, अगर अलग अलग प्रकार के हैं मतलब केंद्र में क्या होंगे, केंद्र में जो नवीन पुष्प होंगे जो कि खिले हुए नहीं है वह होंगे और परिधि की तरफ पूरे खिले हुए जो पुष्प है अगर वह उपस्थित है तो इस क्रम को कहा जाता है अभिकेंद्रीय क्रम, और इस प्रकार का जो हेड होता है उसे कहा जाता है हेटेरोगेमस हेड या विषम पुष्पी शीर्ष। और इस कुल की विशेषता है, यह सूरजमुखी कुल की विशेषता है। खासकर एक तो सूरजमुखी में गेंदा में इस प्रकार का पुष्प क्रम हमें देखने को मिलता है, और यह सबसे एडवांस प्रकार का या सबसे विकसित प्रकार का पुष्प क्रम माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें सभी जो पुष्प है वह बहुत पास पास उपस्थित है, इनमें जो परागण की जो स्योरिटी है या परागण की जो निश्चितता है वह फिक्स है, क्योंकि यहाँ से यहीं तक ही तो जाना है परागकणों को, ज्यादा दूर को यहाँ पर जाना नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी जो मादा पुष्प लगे हुए होते हैं उनसे फ्रूट्स का बनना पॉसिबल है, इसी कारण इसे सबसे एडवांस प्रकार का पुष्पक्रम या सबसे विकसित प्रकार का पुष्पक्रम माना जाता है। तो ये देखा हमने असमाप्ति पुष्पक्रम के नियम, जिसमें पुष्पावली वृत्त हमेशा वृद्धि करता रहता है या किसी विशेष संरचना का निर्माण करता है और उसके ऊपर असंख्य पुष्प लगे हुए होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सीमाप्सी पुष्पक्रम और विशेष प्रकार के पुष्पक्रम। तो आज के लिए आपको इतना ही काफी है, आज हम इस क्लास को यहीं पर ही विराम देते हैं। अगला हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे जहां पर हम सीमाप्सी और विशेष प्रकार के जो पुष्पक्रम हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो अगला देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, नमस्कार।